हाल ही में नव्या नवेली नंदा ने यह खुलासा किया कि वो अपने मामू अभिषेक और मामी ऐश्वर्या को अपने शो पॉडकास्ट के नेक्स्ट सीजन यानी कि सीजन 3 में नहीं बुलाएंगी, क्योंकि नेक्स्ट सीजन में फैमिली नहीं बल्कि वो चाहती हैं आउटसाइडर्स को लाना, अदर फील्ड्स के बड़े दिग्गजों को शामिल करना, जैसे कि साइंटिस्ट, क्रिकेटर्स। ऐसे में हमारी इस रिपोर्ट में आप सबको जो बताने जा रहे हैं उससे आपको थोड़ी खुशी ज़रूर मिलेगी। भले ही अभिषेक बच्चन नहीं हो रहे हैं शामिल नंदा के नव्या नंदा के शो पॉडकास्ट के अगले सीज़न में, लेकिन अमिताभ के नाते नव्या ने अपने मामों को लेकर जो खुलासा किया था वो काफ़ी दिलचस्प था सीज़न 1 में। आइए हम आपको याद दिला दें, अगर आपने सुने ना हो तो आपको जानकारी दे दें पोस्ट कार्ड की। डेब्यू सीजन के आखिरी एपिसोड में श्वेता बच्चन ने बात की थी कि कैसे उनके भाई अभिनेता अभिषेक घर पर तनाव फैलाते हैं। जी हाँ, हैरानी हो कि आपको जानकर नव्या ने ये साझा करते हुए कहा था, अभिषेक कभी भी किसी के बारे में भी अपनी राय साझा करने से नहीं कतराते। उन्होंने कहा, हमारे परिवार ने हमारे लिए ऐसा माहौल बनाया जहाँ हमें सुना जाता है, हम अपनी राय रख सकते हैं और किसी भी चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि ये बहुत अच्छा है, हम हर बात पर अपनी राय देने से पीछे नहीं हटते और हर कोई इसे सहजता से लेता है। बात कर रही थी तो जया ने उन्हें बताने के लिए रोका कि वह एक दिन पहले बच्चन परिवार में डाइनिंग टेबल पर बहुत बड़ा एक्शन लेने से चूक गई थी। तभी श्वेता ने उन्हें शांत कराने की कोशिश की थी और कहा था नानी को थोड़ा सा। जया ने बीच में कहा, हमारी चर्चा हुई और फिर मामी ने संगीत बजाना शुरू किया और कह रहे थे, इस म्यूजिक को मम्मा के लिए बजाओ श्वेता दी। तब नव्या ने कहा, वह हमेशा ऐसा करते हैं, जब भी वह तनाव को बढ़ता हुआ देखते हैं तो म्यूजिक बजाना शुरू कर देते हैं। ये शांत करने वाला म्यूजिक भी नहीं होता, यह हमेशा कुछ हाउस टेक म्यूजिक को होता है। और इसके बाद नव्या के पॉडकास्ट में ये खुलासा हुआ कैसे अभिषेक बच्चन चीज़ों को बढ़ा देते हैं। 99 लाइव्स ऋतिक।